राजधानी पटना के कोचिंग संस्थान में असामाजिक तत्वों द्वारा एक बार फिर से छात्रों की पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल कोचिंग में पढ़ाई के दौरान बैठने को लेकर दो गुटों में झड़प और मारपीट हो गई, जिसके बाद देखते ही देखते कुछ असामाजिक तत्वों ने कोचिंग में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, जो कि आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि कैसे तोड़फोड़ की गई है, कैसे वहां कांच को क्षतिग्रस्त किया गया है, कांच के टुकड़े जो है वो बिखरे नजर आ रहे हैं। आप जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। कि कैसे उन्होंने उत्पात मचाया है। हालांकि इसे लेकर छात्र काफी नाराज हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं और अब अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर तीन थानों की पुलिस पहुंच गई। आप सुने इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं टाउन डीएसपी अशोक कुमार। छात्रों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है, हम लोग तो यहाँ लगभग 2.5 घंटे से पहुँच कर स्थिति को संभाले हुए हैं, स्थिति अभी नियंत्रण में है। हालांकि छात्र रोड जाम कर दिए हैं और छात्र भी गलती कर रहे हैं। हम लोग तो समझा रहे हैं कि जो भी तोड़फोड़ हुआ है ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान में, जो भी तोड़फोड़ हुआ है, तोड़फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ थाना पुलिस कदमकुआं थाना सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और अपने आप में एक उदाहरण बनेगा, नज़ीर बनेगा। आप लोग विश्वास करिए प्रशासन पर, प्रशासन सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। जिसने भी तोड़फोड़ किया है, सभी असामाजिक तत्वों और अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, आखिर कारण क्या है तोड़फोड़ करने का? कारण जैसे पता चल रहा है कि कोचिंग में पढ़ने वाले किसी स्टूडेंट के साथ कोचिंग के ही किसी शिक्षक ने शायद कोई मारपीट किया था जिसमें उसका हाथ संभवतः टूट गया है, और उसी को लेकर के ये घटना घटी है जैसा कि पता चल रहा है। जिसका हाथ टूटा है वे शायद अम्बेडकर छात्रावास के रहने वाले हैं और अम्बेडकर छात्रावास के स्टूडेंट झुंड में आकर के, ग्रुप में आकर के लगभग 20 की संख्या में आकर के यहाँ पर तोड़फोड़ किए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कन्फर्म नहीं कर सकते लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है। कोचिंग संस्थान की तरफ से कोई घायल? तो सुना आपने किस तरह से कोचिंग संस्थान में बैठने को लेकर ये मामूली सा झगड़ा हुआ और उसके बाद इस झगड़े ने इतना तूल पकड़ लिया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने कोचिंग संस्थान में जो है वो तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। और ऐसे में आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि कैसे कांच के टुकड़े जो है वो बिखरे पड़े हैं और इस दौरान दो गुटों में झड़प हुई, मारपीट हुई, जिसके बाद देखते ही देखते ये माहौल जो है वो गंभीर हो गया। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। हालांकि इसे लेकर छात्रों में काफी नाराजगी भी है और वो सड़कों पर उतर आए और अब अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर तीन थानों की पुलिस पहुंची, हालातों को काबू में लिया गया और इसे लेकर टाउन डीएसपी ने क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको सुना दिया।